हेलो दोस्तों, आज हम आपको 1999 की 10 सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है बादशाह। इस मूवी के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, ट्विंकल खन्ना, जॉनी लीवर, राखी और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ रहा। भारत में कमाई 14 करोड़ 87 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 27 करोड़ 11 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है हसीना मान जाएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, गोविंदा, करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 15 करोड़ 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22 करोड़ 37 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है कच्चे धागे। इस मूवी के डायरेक्टर थे मिलिंद लुथरिया। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला और नम्रता शिरोडकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 16 करोड़ 19 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ 65 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है मन। इस मूवी के डायरेक्टर थे इंद्र कुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, मनीषा कोइराला और अनिल कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 करोड़ रहा। भारत में कमाई 16 करोड़ 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ 23 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है हम आपके दिल में रहते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे सतीश कौशिक। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, काजोल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 17 करोड़ 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31 करोड़ 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है सरफरोश। इस मूवी के डायरेक्टर थे जॉन मैथन। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, सोनाली बेंद्रे और मुकेश ऋषि शामिल थे। इस मूवी का बजट 8 करोड़ रहा। भारत में कमाई 18 करोड़ 77 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 29 करोड़ 21 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है ताल। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुभाष घई। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 21 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 करोड़ 23 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है दिल दे चुके सनम। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसारी। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रहा। भारत में कमाई 24 करोड़ 76 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 43 करोड़ 86 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है बीवी नंबर 1। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन और तब्बू शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 12 करोड़ रहा। भारत में कमाई 25 करोड़ 58 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 41 करोड़ 64 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है हम साथ साथ हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे सूरज बड़जात्या। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, सैफ अली खान, मोहसिन बहेल, तब्बू, करिश्मा कपूर और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 17 करोड़ रहा। भारत में कमाई 39 करोड़ 38 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 69 करोड़ 58 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही और यही 1999 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों, आपको 1999 की इन टॉप 10 मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।